नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आपने अपने पार्षद विजय कुमार को किया सस्पेंड, लगाए गंभीर आरोप, क्या कहा? आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी के वार्ड 132 से अपने मौजूदा पार्षद विजय कुमार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्षद विजय कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी के वार्ड 132 से अपने मौजूदा पार्षद विजय कुमार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्षद विजय कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव में आप पार्षद विजय कुमार ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। उन्होंने आपके विरोध में डेप्यूटी मेयर पद पर नामांकन किया था। आपको बता दें कि पार्षद विजय कुमार के तेवर बागी हो गए थे। आपके शीर्ष नेताओं की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वह नहीं माने थे। उन्होंने पार्टी नेताओं को साफ शब्दों में कहा था कि पार्टी के नेता मुझ पर दबाव ना बनाएं, मैं पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव लड़ने का फैसला उनका है। उन्होंने इसको लेकर पोस्ट लिखी थी और आतिशी संजय सिंह, आप MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक समेत अन्य नेताओं को टैग किया था। विजय कुमार की बगावत पर आम आदमी पार्टी ने मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव के दौरान बयान जारी किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि भाजपा आम आदमी पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए भाजपा सभी हथकंडे अपना रही है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डालने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही पार्टी के अनुशासन में यकीन रखता है, वह प्रलोभनों से डिगने वाला नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।